हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास 9th बायोलॉजी के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका संग मोलस्का, यानी फाइलम मोलस्का। तो देखिए, यहाँ पर फाइलम मोलस्का जो है हमारा एक जंतु का एक संघ है। तो इसमें देखिए, ये मोलस्का वर्ड जो है हमारा मोलिस वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? मोलिस वर्ड से। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है कोमल शरीर वाला। क्या होता है भाई? कोमल शरीर वाले। ठीक है भाई, क्या होता है? कोमल शरीर वाले, यानी कि ऐसे जीवधारी जिनका शरीर जो होता है वो कोमल होता है, वो इस संघ के अंदर रखे गए हैं, यानी बहुत ही मुलायम वाले होते हैं। अब इसका एक तो गुण यही हुआ कि इनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, इसके गुणों के बारे में बात करते हैं, तो एक बहुत ही क्या होता है, कोमल होता है। इसके अंदर क्या आता है हमारा? सीपी आता है, और ऑक्टोपस आता है, और तुम्हारा घोंघा आता है, यूनियो आता है, जितने शंख आते हैं। तो अब देखिए, ये घोंघा हो गया और सीपिया हो गया, आपने देखा होगा, या यूनियो हो गया। तो जो उनके ऊपर ये होते तो हैं कोमल शरीर वाले, लेकिन प्रकृति ने उनकी सुरक्षा के लिए क्या दिया है? कवच प्रदान कर दिया। कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ दृढ़ का क्या होता है? कवच होता है, जिसके अंदर उनकी बॉडी क्या होती है? सुरक्षित होती है। ठीक है भाई, तो ये सुरक्षित रहते हैं। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि इनका शरीर जो शरीर होता है वो तीन भागों में बटा होता है। दूसरा पॉइंट जो होता है, इनका शरीर जो होता है तीन भागों में, सिर में, पाद में, तथा अंतरांग पिंडक, यानी जिसके अंदर क्या होता है वो पिंड, जिसमें अंतरांग अंदर के अंग होते हैं, तो उसमें बटा होता है। इस संघ के जंतुओं का शरीर कोमल व खंडरहित होता है, यानी खंड रहित नहीं होता है, बल्कि और इस पर खंडयुक्त उपांग नहीं पाए जाते हैं। खंडयुक्त उपांग भी नहीं पाए जाते हैं इसके पूरी बॉडी को, सिर, पाद, यानी फुट में, और क्या होता है, अंतरांग में बांटा जाता है। तीसरा जो गुण है वो इसका ये होता है कि शरीर के चारों ओर एक कड़ा खोल या कवच होता है। मैंने आपको बताया कि प्रकृति ने, कुदरत ने इनके ऊपर क्या दिया है? इनके ऊपर एक खोल दिया है, और खोल दिया है तो वो क्या है, खोल दिया है तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल होता है, कवच होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, कवच जो होता है वो उसकी सुरक्षा करता है। लिफाफे नुमा आवरण होता है, जिसे मेंटल या प्रवार कहते हैं, इसे मेंटल कहते हैं या प्रवार कहते हैं। वास्तविक देह गुहा क्या होती है? कम विकसित होती है। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर घोगा आती है, सीपी आती है, सीपी आता है, ऑक्टोपस आता है। तो घोगा के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको इसका चित्र भी बनाना है प्रैक्टिकल की नोटबुक के अंदर। तो इसमें ये क्या होता है, घोगा जो होता है नम मिट्टी में, यानी कि नम जहाँ पर, नम मिट्टी कहाँ पा जाएगी? तालाब के पास में, और क्या होता है, नम जगह पर, पोखर में, पानी से भरे गड्ढों में पाया जाता है। इसका शरीर कोमल में कुंडलित होता है, जो चक्करदार खोल से ढका रहता है। ये जलीय पौधों को खाता है, यानी क्या होता है, जलीय पौधों को, जलीय पौधों के जल के आसपास रहता है, तो जल को जलीय पौधों खाता है। और आगे कह रहा है, पानी से भरे गड्ढों में भी रहता है। इसके शरीर पर क्या होता है, एक जोड़ी तो नेत्र होते हैं, और दो जोड़ी क्या होते हैं, स्पर्शक लगे होते हैं। इसके सिर के नीचे एक चपटा एवं पेशीय पाद होता है, जिसकी वजह से ये चलता है। ठीक है, इसमें श्वसन के लिए क्या होते हैं, क्लोम और वायु कोश पाए जाते हैं। इसलिए क्या होता है, पानी के अलावा ज़मीन पर भी रह सकता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये था घोगा। इसी तरीके से और ऑक्टोपस भी है, यूनियो भी है, सीपिया भी है, ये इसी वर्ग, इसी संघ के प्राणी हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल पर इसको भी आपको बनाना है, इसके डायग्राम को, और इसके चार लक्षण दिखने हैं। ठीक है, ये था इसका आपका टॉपिक। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट टाइम में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।